नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण पर किसी भी शत्रु या किसी अपने को अपने वश में करने का, जो आपकी बात नहीं मानता, चाहे वो आपका प्रेमी है, प्रेमिका है, या बॉस है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे रूठ चुका है, उसको मनाने के लिए आपको क्या चाहिए। थोड़ी सी आपको इस प्रकार गूगल लेनी है और थोड़ी सी आपको कपूर लेनी है और आपको गुलाब जल चाहिए होगा। इस प्रकार गुलाब जल लीजिए और इस प्रकार थोड़ा थोड़ा गुलाब जल गुग्गल व कर्पूर पर डालकर आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र मात्र आपको 27 बार पढ़ना है। ओम मम कामना प्रसिद्ध सिद्ध कृष्यामि मम अमुक नाम ने, अमुक की जगह व्यक्ति का नाम बोलना है, अमुक नाम ने, यानी जैसे दीपक, उदाहरण के लिए दीपक ले लेते हैं, दीपक नाम ने वशे कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार आपको 27 बार बोलना है और 27 बार ऐसी बूंद डालनी है। एक मंत्र पढ़ा, एक बूंद डाली, एक मंत्र पढ़ा, एक बूंद डाली, इस प्रकार आपको 27 बार करने पर इसमें अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, यानी कि इसको आग में डाल देना है या इसमें आग लगा देनी है। फिर इस धोनी के पास बैठकर जब तक ये जले, आपको अपने इस व्यक्ति का चेहरा आपके आंखों में देखना है, उसका स्मरण करना है, ध्यान करना है, चाहे वो प्रेमी है, प्रेमिका है, दोस्त है, बॉस है, शत्रु है, मित्र है, वो आपके वश में हो जाएगा, आपका कहना मानेगा। और इस उपाय से आप किसी का भी भला कर सकते हैं और किसी के लिए अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो उसका बुरा ना करें। ये टोटका उपाय शत्रु के मन से या किसी दूसरे के मन से ईर्ष्या, मन से बैर को दूर करने का उपाय है, प्रेम संबंध जोड़ने का उपाय है, एक दूसरे को नज़दीक करीब लाने का, एक दूसरे को समझने का उपाय है। इस प्रकार टोटका उपाय कर आप किसी का भी भला कर सकते हैं, किसी का बुरा मन में ना सोचें, ग्रहण पर ये करिए। अगली वीडियो मिलते हैं खास उपाय टोटके के साथ। वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ पूछने कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।